रीवा में अलग अलग हादसों में 3 की मौत। बैकुंठपुर में मवेशी चराने गए बुजुर्ग व खेत से लौट रही महिला आई आकाशीय बिजली की चपेट में। गुढ़ में युवक की गई जान। रीवा जिले में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों की माने तो पहला हादसा गुढ़ थाना क्षेत्र के बांधी गाँव में हुआ। यहाँ खेत में कार्य करते समय बिजली गिरी, जिसमे एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा बैकुंठपुर इलाके के तिलखन गांव में हुआ, जहां खेत से लौट रही महिला गाज गिरने से दम तोड़ दी है। इसी तरह बैकुंठपुर क्षेत्र के बगढ़ा गांव में तीसरी दुर्घटना हुई। वहां मवेशी चराने गया बुजुर्ग बिजली की चपेट में आ गया है। तीनों ही मामलों में संबंधित पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश संजय गांधी अस्पताल भिजवा दी है। SDMH में पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम किया जाएगा। इसके बाद मंगलवार की दोपहर PM उपरांत शव परिजनों को दिया जाएगा। केस फर्स्ट, खेत में गिरी बिजली। गुड़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे रिमझिम बारिश का दौर चल रहा था। इसी बीच बांधी गांव में गाज गिरी, ऐसे में गोरेलाल कोल पुत्र राम निवास 40 वर्षीय चपेट में आ गया। दावा है कि मृतक खेत गया था, लेकिन काल के दाल में समा गया। केस 2, अहरी से लौट रही थी महिला। बैकुंठपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे सुखबरिया कोल पति रामेश्वर कोल 60 वर्षीय निवासी ऊंचा टोला गाँव तिलखन की बिजली गिरने से मौत हो गई है। वह अहरी स्थित खेत से गांव लौट रही थी, इसी बीच गाज गिरने से दम तोड़ दी है। केस 3, मवेशी बाल बाल बचे, पशुपालक की मौत। सोमवार की दोपहर करीब 3:30 बजे हरिप्रसाद तिवारी पुत्र रामनाथ तिवारी 58 वर्षीय निवासी बगढ़ा मवेशी चलाने गया था। दावा है कि बारिश आते ही पशुपालक घर की ओर मवेशी लेकर चल दिया, लेकिन इसके पहले ही गाज गिरी, जहां मवेशी तो बाल बाल बच गए पर मालिक की मौत हो गई। 4 बकरियों के मरने की खबर। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार की शाम 5 बजे तिलखन गांव में एक दूसरी जगह पर बिजली गिरने की खबर आई है। सूचनाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी 4 बकरियां मर गई। बता दें कि सोमवार की दोपहर रीवा जिले में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा था, इसी बीच आसमान में गर्जना हुई, जिससे 3 लोग और 4 बकरियां काल की दाल में समा गए।